हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड नमस्कार। मैं इधर बिहार दरोगा के प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियो लेकर आ रहा हूँ। जो प्री का सिलेबस है जीएस पेपर का, उसके अनुसार मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो जिन फ्रेंड्स ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कर लें ताकि आपको नए अपडेट मिलता रहे। इससे पहले मैंने 3 वीडियो बिहार दरोगा से रिलेटेड अपलोड कर दिया है और आगे वीडियो इसी तरह से आते रहेगा। तो शुरू करते हैं, आज का टॉपिक है लोक कला शैली एवं लोक नृत्य। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप अपना आंसर गेस कीजिएगा पहले क्वेश्चन का। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? 4 ऑप्शन है, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या छत्तीसगढ़। दोस्तों तो आंसर इसका क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र। चलिए अब देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। चलिए आपका गेसिंग सही है कि नहीं उसे देखते हैं। आंसर होगा अल्पना, जो है ना पश्चिम बंगाल का लोक कला शैली है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार। तो इसका आंसर है दोस्तों राजस्थान। ठीक है, राजस्थान आंसर है इसका। नेक्स्ट है अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? ऑप्शन पहले देख लिया जाए, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या बिहार। तो अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो इसका आंसर है बिहार से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौक पुरना भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? चौक पुरना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या बिहार। तो ये जो चौक पुरना है दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश की लोक कला, चौक पुरना। नेक्स्ट है पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है? तो इक्के बोता, इक्के वाना, इफे फासा, बोनसाई। ये सब क्वेश्चन तो बहुत फेमस है, तो ये तो पता ही है सबको क्या आंसर होगा, इक्के वाना। नेक्स्ट देखते हैं, कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? कलमकारी और एक फुलकारी, दोनों में कन्फ्यूजन होता है, तो इसको अच्छा से देखा जाए। कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? बिहार, गुजरात, हरियाणा या आंध्र प्रदेश। तो ये जो दोस्तों है कलमकारी जो है संबंधित है आंध्र प्रदेश राज्य से। ठीक है, कलमकारी आंध्र प्रदेश से। फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? गुजरात, बिहार, हरियाणा या आंध्र प्रदेश। तो ये फुलकारी लोक कला जो है ना, ये होगा हरियाणा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गरबा लोक नृत्य कला शैली कहाँ प्रचलित है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। तो गरबा कहाँ है दोस्तों? ये हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट है, तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या पंजाब। तो तमाशा जो होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक गीत है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन देखते हैं, मांग, कजरी, बोल या बोली। तो उत्तर प्रदेश का जो एक प्रसिद्ध लोकगीत है वो है कजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर में, वाल गायन कहाँ का एक लोक रूप है? गुजरात, बंगाल, कर्नाटक या पंजाब का। तो ये हो जाएगा बंगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पंडवानी किस राज्य की प्रमुख कला शैली है? पंडवानी उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो आंसर होगा इसका छत्तीसगढ़। रौफ किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? रौफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश। तो रौफ जो होगा ये जम्मू कश्मीर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन देखा जाए पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर या त्रिपुरा का। तो ये केली गोपाल जो होगा असम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? भांगड़ा हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब या गुजरात का। तो दोस्तों भांगड़ा कहाँ का है? तो भांगड़ा हो जाएगा पंजाब का। नेक्स्ट देखते हैं, पनिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? पनिहारी लोक नृत्य नागालैंड, गुजरात, कर्नाटक या केरल। तो पनिहारी लोक नृत्य होगा ये जो होगा आपको गुजरात में होगा। नेक्स्ट है, यक्षगान नामक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो बेलनून आंसर कर्नाटक। नेक्स्ट देखते हैं, बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आसाम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल या त्रिपुरा। दोस्तों तो आंसर हो जाएगा इसका आसाम। घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो घंटा मर्दाला ये जो लोक नृत्य है ये है आंध्र प्रदेश का। चेरोकान कहाँ का लोक नृत्य शैली है? असम, नागालैंड, मणिपुर या मिजोरम का। तो चेरोकान जो है ये है मिजोरम का। लाई हरिबा लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है? लाई हरिबा, तो लाई हरिबा जो है असम, मणिपुर, मिजोरम या नागालैंड का। तो ये होगा मणिपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुमिनागा लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? कुमिनागा लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड या असम। तो ये जो आपका कुमिनागा होगा नागालैंड से। लोक नृत्य लंबाड़ी किस राज्य से संबंधित है? लंबाड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो ये होगा आंध्र प्रदेश से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब या उड़ीसा। तो दोस्तों आंसर होगा इसका पश्चिम बंगाल। फिर है, कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या गुजरात का। तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्धा को एक नृत्य का रूप है, अच्छा किस राज्य से संबंधित है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान। तो ये हो जाएगा पंजाब से। फिर है, जट जटिन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या राजस्थान का। तो ये होगा बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? नौटंकी ठीक है, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो नौटंकी हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। लाबनी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लाबनी गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश का। तो ये होगा महाराष्ट्र का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? छऊ ओडिशा, असम, झारखंड या पश्चिम बंगाल का। तो ये जो छऊ है ये हो जाएगा झारखंड का। बच्चा नगमा किस राज्य के पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है? बच्चा नगमा, तो ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, चारों ऑप्शन में से सही होगा आपका हिमाचल प्रदेश का बच्चा नगमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेरा ताली लोक नृत्य है केरल का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का या तमिलनाडु का। तो केरल
ये हो जाएगा राजस्थान का, तेरह ताली जो है राजस्थान का। डांडिया कहाँ प्रसिद्ध, कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, गुजरात, असम, झारखंड या महाराष्ट्र का, तो ये डांडिया हो जाएगा गुजरात का। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कर्मा लोक नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है, कर्मा लोक नृत्य छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश, तो ये होगा छत्तीसगढ़। लोक नृत्य बैसाख बिहू प्रचलित है असम में, बिहार में, ओडिशा में या झारखंड में, तो ये आंसर होगा असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है गरबा, गिद्दा, घूमर या बिहू, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा घूमर। कौन सा लोक नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है, चक्यार, कुंतु, ओटंतुलन, कुडियातम, मोहिनीअट्टम, तो ये आंसर होगा ओटंतुलन। झारखंड का पायका है एक लोकगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र या चित्रकला, तो ये आंसर होगा लोक नृत्य। चैप्टर उसी से रिलेटेड है। सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, बैगा, मुडिया, मारिया, कोरकू, तो सुआ नृत्य जो होगा ये बैगा जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है, गबरी, स्वांग, तमाशा या रम्मत, तो ये होगा भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम गबरी है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है दोस्तों, यक्षगान, विधि, यात्रा या झोरा, आंसर होगा यक्षगान। चलिए देखते हैं आंध्र प्रदेश की गोंड जाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, गुसादी, आम्र नृत्य, मोर नृत्य या बिहू नृत्य, तो ये आंसर होगा गुसादी। निम्नलिखित में कौन महिला प्रधान नृत्य है, कुडियाटम, क्रुवंजी, गिद्ध या गिद्दा, ठीक है गिद्ध लिखा गया है, भांगड़ा, तो ये होगा आपका आंसर गिद्दा। गिद्दा जो है मेनली महिला प्रधान नृत्य है, इसमें महिला ही भाग लेती हैं। चलिए आगे देखते हैं। लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो कोरकू जो है महाराष्ट्र से ही संबंधित है, झूमर हरियाणा से संबंधित नहीं है दोस्तों, तो आंसर यही होगा। थाली जो है हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है और मुकना भी है जो मणिपुर से रिलेटेड ही है। तो अगला है लोक नृत्य और राज्य के युग में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो फिर से आप इसको देख लीजिए। तमाशा महाराष्ट्र से रिलेटेड है, कजरी उत्तर प्रदेश से, बाउल पश्चिम बंगाल में, हरियाणा नहीं रिलेटेड है, लेकिन आंसर है कौन सुमेलित नहीं है, तो झूमर हरियाणा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तांडव नृत्य संबंधित है श्रृंगार रस से, वात्सल्य रस से, वीर और रौद्र रस से, इनमें से कोई नहीं, तो तांडव नृत्य जो है वीर और रौद्र रस से संबंधित होगा। बम्बू नृत्य निम्नलिखित में किसका आदिवासी नृत्य है, कोकी एवं नगाओं का, मुरियाओं का, गुंडों का या भूमियाओं का, बम्बू नृत्य जो संबंधित है ये होगा कोकी एवं नगाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीजनबाई किस लोक नृत्य गायन से संबंधित है, तीजनबाई, पंडवानी, यक्षगान, चेरोकान, पनिहारी, तो आंसर होगा पंडवानी से। नीचे दी गई लोक नृत्य और राज्य की सूची में किसका मिलान सही नहीं है, बिहू आंध्र प्रदेश, भांगड़ा पंजाब, डांडिया गुजरात, नौटंकी उत्तर प्रदेश, तो जितना भी पीछे आपने पढ़ा उसमें देख लीजिए, बिहू तो असम से है, सो आंसर यही होगा, सही मिलान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, बैगा, मुडिया, डंडामी माडिया या कोरकू से, तो दोस्तों ये जो है गौर नृत्य मुडिया से संबंधित है। निम्नलिखित में से युद्ध संबंधित नृत्य कौन सा है, कथकली, मेघालय का बम्बू नृत्य, मयूरभंज का छाव, पंजाब का भांगड़ा, तो ये मेघालय का बम्बू नृत्य जो होगा वही युद्ध से संबंधित है। भारतीय लोक नृत्य नहीं है घूमर, कथकली, गरबा या डांडिया, तो यहाँ पे कथकली जो है शास्त्रीय नृत्य है ना कि लोक नृत्य, घूमर, गरबा और डांडिया, ठीक है सब ये है। चलिए आगे।
छपेली लोक नृत्य संबंधित है, छपेली लोक नृत्य संबंधित है अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश से, तो ये होगा हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चरुकुला नृत्य संबंधित है, प्रसिद्ध चरुकुला नृत्य अवध से, बुंदेलखंड से, ब्रजभूमि से या रुहेलखंड से, तो प्रसिद्ध चरुकुला नृत्य जो संबंधित है वो ब्रजभूमि से। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है, आलह महोबा से, रसिया बरसाना से, ठीक है बरसाना जगह का नाम इधर हो गया उस वहाँ का नृत्य संगीत, कजरी, मिर्जापुर, बिरह, कन्नौज। तो दोस्तों बिरह है जो कन्नौज से संबंधित नहीं है, बाकी सभी सही हैं, आलह महोबा से, रसिया बरसाना में, ठीक है कजरी, मिर्जापुर, बरसाना राधा की जन्म स्थान को माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, बधाई है कहाँ का लोक नृत्य है, तो बुंदेलखंड का नृत्य, मालवा का नृत्य, दिवाली के दूसरे दिन भोपाल में मनाया जाने वाला एक त्यौहार या बुंदेलखंड का लोक संगीत। तो दोस्तों ये जो बधाई है वो बुंदेलखंड का नृत्य है। बताइए कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से संबंधित नहीं है। अब इसको देखा जाता है, कजरी वाराणसी से है, बिरहा कानपुर, होली ब्रज से, नौटंकी हाथरस, तो ठीक है 58 का आंसर ये होगा बी नंबर, बिरहा है जो कन्नौज से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नृत्यों में कौन सा सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित नृत्यों में कौन सुमेलित नहीं है, तो ये देखते हैं, करवा महोबा, धुरिया बुंदेलखंड, धीबर कहार, नटवरी पूर्वांचल से, तो ये कर्मा जो है महोबा से संबंधित नहीं है दोस्तों, आंसर ए नंबर होगा यहाँ पे, बाकी रिलेटेड है। चलिए 60 है, करागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है, करागम केरल से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से या कर्नाटक से, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र या बुंदेलखंड क्षेत्र, तो ये संबंधित है बुंदेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र से। गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों से कौन सा उस समय किया जाता है जब हाल में विवाहित लड़की प्रथम बार अपने मायके आती है, चौपुला, चौफुला, जागर, झुमेला या धड़मा, धड़म्मा, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर होगा झुमेला। नेक्स्ट है, बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्यौहार पर आयोजित होता है, बस्तर में गामा, होली, नवाखानी, तो दोस्तों ये आंसर होगा होली के समय में बस्तर में डंडारी नृत्य होता है। देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, देवदास भंडारे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, बंडवानी नृत्य, पंथी नृत्य, धनकुल नृत्य या डोकरा नृत्य, तो आंसर होगा ये पंथी नृत्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेखावटी के प्रसिद्ध लोक नृत्य का क्या नाम है, सेखावटी के प्रसिद्ध घूमर, गिदड़, थेर या तेरा पतांतली, ठीक है पतांतली पढ़ेंगे, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा गिदड़। नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं, पातर, वांड, नट या भवाई से, तो ये आंसर होगा भवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, नकल बिहार से, तमाशा ओडिशा, अंकियानाट असम, बांधे पंजाब, तो यहाँ पे जो सुमेलित है दोस्तों सिर्फ अंकियानाट है जो असम से है, बाकी गलत है। नेक्स्ट है, चक्का रकुथु नृत्य के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है तो इसको देखते हैं, यह चक्यार जाति द्वारा किया जाता है, परंपरागत रूप से यह हिंदुओं की उच्च जातियों में नहीं देखा जाता है, म्याव संगीत वाद्य है, इसका नाट्य रूप कथांबलंब है, तो इसका कुट देख लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों 1, 3 और 4 सभी है, परंपरागत रूप से यह हिंदुओं की उच्च जातियों में देखा जाता है, ये गलत है, बाकी सारे कथन सही है, सो आंसर
ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। सूची वन को सूची दो से मिलाना है, बिरहा रसिया आलह कजरी, और यहाँ पे है बज्रभूमि बुदेलखंड पूर्वांचला और अवध। तो इसको मिलाना है तो इसको डायरेक्ट मिलाते हैं दोस्तों। बिरहा, बिरहा जो है वो पूर्वांचल से है, और रसिया जो है ब्रजभूमि से है, और अल्लाह जो है आलह बुदेलखंड से है, तो कजरी रह गया अवध से रिलेटेड, और ये ऑप्शन आपको सी में मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है, राउफ झोड़ा विधि या सुईसिनी? ये सब क्वेश्चन भी आते रहे एग्जाम में, तो आंसर यहाँ पे होगा सुईसिनी। निम्नलिखित में से कौन सा लोक या जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है, विधि झोरा तमाशा या रॉप? तो ये होगा जनजातीय नृत्य से संबंधित होगा तो ये होगा झोरा। तो आज का टॉपिक पूरा हुआ दोस्तों। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, अपना कमेंट करें, लाइक करें। ठीक है दोस्तों, आज भर के लिए इतना ही, धन्यवाद।